ओके सो अब भी हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट। एंड ये जो सॉल्यूशन होगा ये प्रॉपर बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके सो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक पैटर्न प्रिंट करना है आपको। सो फॉर एग्जांपल ये एक पैटर्न है जो आपको प्रिंट करना है, और अगर आपका इनपुट होगा 5 होगा तो ये आपका पैटर्न होगा, 6 होगा तो आपका पैटर्न ऐसा ही होगा, ऐसा ही दिखेगा, बट नंबर ऑफ एच जो एच कैरेक्टर से प्रिंट हुआ पैटर्न है ये बढ़ जाएगा। सो उसको समझेंगे कि ये पैटर्न कैसे बना। उससे पहले 3 स्ट्रिंग के मेथड्स है, इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है वही 3 स्ट्रिंग के मेथड्स को समझना, तो वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है एल जस्ट या एल जस्टिफाई करना। ठीक है, एल जस्टिफाई करना और एक विथ इसके अंदर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर विथ का वैल्यू है 20, आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू है हैकर रैंक, जिसका लेंथ एक्चुअली 10 होता है। ठीक है, उसको अगर आप एल जस्टिफाई कॉल करोगे और विथ पास करोगे, और एक कैरेक्टर आप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है एक स्पेस। ठीक है, अगर आप पास करोगे तो वो वैल्यू ले लेगा। ठीक है, सो जैसे इसने डैश दिया हुआ है, तो अभी इसका क्या मतलब है, देखो जो भी विथ आपका प्रोवाइडेड है ना एटलीस्ट उतना प्रिंट करेगा। जैसे इसमें 20 प्रोवाइड किया तो 20 जरूर प्रिंट करेगा इसमें। ठीक है, अभी 20 क्या प्रिंट करेगा, 20 डैशेस, बट जो आपका स्ट्रिंग है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करके उसके अलावा जो जगह बचेगा वहाँ पे डैश प्रिंट करेगा। जैसे इस यहाँ पे इसने 20 लेंथ का एक स्ट्रिंग प्रिंट किया, तो जो आपका स्ट्रिंग है हैकर रैंक उसको उसने लेफ्ट में जितना जगह हैकर रैंक ले सकता था उसने ले लिया, बाकी जगह को उसने फिल कर दिया डैश से। ठीक है, अगर आप सेम काम करोगे बट सेंटर मेथड को कॉल करोगे तो देखो फिर से अगेन वो 20 लेंथ का स्ट्रिंग प्रिंट करेगा और आपका स्ट्रिंग को वो सेंटर में डाल देगा, लेफ्ट में और राइट में नंबर ऑफ डैशेस इक्वल रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका राइट आर जस्ट से कॉल करोगे जो कि कहता है राइट जस्टिफाई करना, उसके अंदर विथ आपने भेज दिया 20, सो अगेन देखो 20 का स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, बट जो आपका स्ट्रिंग है आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग हैकर रैंक है वो स्ट्रिंग वो राइट में शिफ्ट कर देगा, और बचा हुआ जो आगे का जगह होगा या आगे का स्पेस होगा वहाँ पे वो जो आप कैरेक्टर प्रोवाइड करोगे उससे फिल कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने किया है डैश। ठीक है, अब ये तीनों मेथड हम समझ गए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, पैटर्न प्रिंट करने का हमें सिर्फ जहाँ जहाँ ये डैशेस प्रिंटेड है या डैशेस लिखा हुआ है वहाँ पे आर जस्ट एल जस्ट या सेंटर ये तीनों मेथड से रिप्लेस करना है, कोई एक मेथड अप्लाई होगा हर एक जगह पे, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, सो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ एंड उसको देन समझाता हूँ तो वो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो देखो पहले क्या क्या होगा, पहले हमें करना है आर जस्ट। ठीक है, एंड दूसरा हमें करना है लेफ्ट जस्ट यानी एल जस्ट। ठीक है, अब ऐसा क्यों, पहले वो समझते हैं। तो ये जो पहला फॉर लूप है वो टॉप कोन के लिए है। ठीक है, अब देखो टॉप कोन कौन सा है आपका, ये पार्ट है आपका टॉप कोन। ठीक है, सो अभी फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करो टॉप कोन पे। ओके, अभी इसमें एक लाइन है, देखो ये जो लाइन है आपकी इसमें पांचों लाइक 5 लाइन है टोटल और आपका इनपुट कितना है 5, तो आप यहाँ समझिए कि जितना आपका इनपुट होगा उतने नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करेगा टॉप कोन में। ठीक है, सेंटर में एच आएगा सबके। ठीक है, देखो इसके इस वाले में सेंटर में एच है, इसके में भी सेंटर में एच है, बाकी भी है एच, उसको भी इग्नोर करो, पहले सेंटर को कॉन्सेंट्रेट करो। तो सेंटर में एच आएगा। ठीक है, अब इस सेंटर वाले एच के लिए ना इसने यहाँ पे लिखा हुआ है सी। देखो एक पार्ट है आपका ये आपका कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा प्लस सी जो कि जिसका वैल्यू है एच एंड प्लस सी इंटू आई एंड देन लेफ्ट जस्टिफाई करके वही थिकनेस -1। ठीक है, सो जो सेंटर वाला है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो सेंटर ग्रीन से सिंबलाइज किया है यहाँ पे वो उसका काम हो चुका है, सी प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, अभी हमें क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, जो सेंटर एच है उसके लेफ्ट वाला पार्ट और एच का राइट वाला पार्ट। ठीक है, सो काम करते हैं कलर चेंज करते हैं, लेट्स सी येलो को लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करूँ तो क्या है, यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, देन 3 स्पेस और एक एच है, 2 स्पेस 2 एच, 1 स्पेस 3 एच और 0 स्पेस 4 एच। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें अपना कैरेक्टर प्रिंट करना है एच जो कि राइट में शिफ्टेड है हर लाइन में। पहले लाइन में 0 एच है, कोई भी एच नहीं है तो वहाँ पे तो नहीं चारों स्पेस दिख रहा है आपको। सेकेंड लाइन में 1 एच है वो राइट में शिफ्टेड है, थर्ड लाइन में भी 2 एच है जो कि राइट में शिफ्टेड है। अगर आप इसको ऐसे देखो
पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है ये, मान लो इसको एग्जांपल ले लो ये वाला, तो इसमें कहाँ है h आपका राइट में है, देखो h आपका राइट में और लेफ्ट में स्पेसेस है, तो वो कैसे होता है, देखो r जस्ट को कॉल करोगे तो आपका स्ट्रिंग राइट में जाएगा और आपका जो कैरेक्टर होगा, क्योंकि इसने कैरेक्टर पास नहीं किया है अपने r जस्ट या किसी भी मेथड्स में, तो बाय डिफॉल्ट स्पेस जाएगा। और यहाँ हमें यहाँ भी क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। अभी इससे क्या होगा, राइट जस्टिफाई कर दोगे तो आपका पहले कैसे कॉल होगा, c इंटू आई, सी का वैल्यू है h, i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है जीरो, तो h इंटू जीरो, किसी भी स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई जीरो से करोगे पाइथन में तो एम्प्टी स्ट्रिंग देता है, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को इसने कितनी बार प्रिंट करना है, चार बार, ठीक है। तो बेसिकली स्पेस देगा तो वो स्पेस को चार बार प्रिंट कर देगा यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या है, उसने क्या किया, i का वैल्यू हो गया वन, तो c का वैल्यू क्या है, h, h इंटू वन h, ठीक है। तो वन एक h रहेगा जिसका कितना लेंथ होगा, स्ट्रिंग का लेंथ होगा थिकनेस माइनस वन, थिकनेस का वैल्यू क्या है, फाइव, फाइव माइनस वन फोर, ठीक है। सो फोर, चार टोटल आपका मिनिमम लेंथ होगा आपके आउटपुट का, और एक h होना चाहिए जो कि राइट जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, इसका देखो लेंथ फोर है और एक आपका जो h है वो राइट में जस्टिफाइड है, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट टाइम दो h आएगा, तीन h आएगा और चार h आएगा, तो जो लेफ्ट का पैटर्न है, ठीक है, ये वाला जो लेफ्ट साइड का पैटर्न है सेंटर वाले एच के, वो आपका राइट जस्टिफाई, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली नेक्स्ट वाला आपका लेफ्ट जस्टिफाई है, क्यों, क्योंकि देखो इसको ऐसे समझो, अभी ये आपका चार स्पेस है, नेक्स्ट आपका एक कैरेक्टर तीन स्पेस, दो कैरेक्टर दो स्पेस, तीन कैरेक्टर एंड तीन एक स्पेस एंड देन चार कैरेक्टर, ठीक है। सो इस दोनों में देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है, बट यहाँ पे जो आपका मेन कैरेक्टर है वो H, वो आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है, हर बार स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। आपको ये ग्रीन लाइन के राइट में सिर्फ सोचना है इसको, ठीक है, ग्रीन लाइन के सिर्फ राइट पे अगर सोचो राइट वाले पैटर्न का, तो आपका जो H है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमने इसको लेफ्ट जस्टिफाई किया, ठीक है। सो ये हो गया टॉप कोन की बात। नेक्स्ट आते हैं हम टॉप पिलर्स। सो टॉप पिलर्स का मतलब हो गया ये पार्ट, ये हमारा जो पिलर है ये वाला, ये है टॉप पिलर, ठीक है। दो पिलर्स हैं हमारे, एक पिलर ये है एक पिलर ये है, और दोनों टॉप पिलर्स हैं, ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे, इसमें होगा सेंटर, अभी क्यों होगा सेंटर वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको सेंटर कर देते हैं, ओके। देखो इसमें क्या है, थिकनेस इंटू टू, फॉर एग्जाम्पल फाइव, फाइव इंटू टू टेन, और फाइव इंटू सिक्स थर्टी। सो इसने दो पार्ट में स्ट्रिंग को लिखा है, एक पार्ट ये है एंड सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है। 5 इंटू टेन यानी 10 कैरेक्टर्स, 5 इंटू सिक्स यानी 30 कैरेक्टर्स। अभी देखो 10 कैरेक्टर्स अगर आप लोगे यहाँ से, देखो वन थोड़ा पीछे से लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, अभी इस 10 कैरेक्टर को हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ठीक है, इससे हाईलाइट करते हैं, पतली वाली लाइन लेते हैं, एंड ये देखो लेट्स से कि ये 10 कैरेक्टर है हमारे टोटल, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं, ठीक है, ये 10 कैरेक्टर्स है। अभी ध्यान से देखो आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, सो बेसिकली ना राइट साइड में है ना लेफ्ट साइड में है, 10 कैरेक्टर्स के वो है सेंटर में, और ये आपका हर लाइन पे होगा सेंटर में है, क्योंकि इसने सी थिकनेस इंटू टू किया है, यानी कि 5 इंटू टू यानी 10, तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स को उसने अलग से प्रिंट किया है एंड आगे वाले 30 कैरेक्टर्स को अलग से, ठीक है। तो ये टोटल जो 10 कैरेक्टर्स हैं उसमें सेंटर में आया है आपका स्ट्रिंग, तो इसने सेंटर जस्टिफाई बोलना है। नेक्स्ट 30 कैरेक्टर्स अगर आप देखो ना, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल 30 आएगा, और देखो यहाँ के भी कहाँ पे है आपका कैरेक्टर्स, वो है सेंटर में, इसलिए हमने इसको बोल दिया सेंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न में दिखाऊँ आपको, तो ये देखो ये आपका जो लाइन है ना, ये 30 कैरेक्टर्स का लाइन है, ठीक है, 30 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, और सेंटर में आपका आ रहा है जो आपका कैरेक्टर है एच वो, ठीक है। सो इसलिए हमने इसको बोला सेंटर, ऑल राइट। अभी नेक्स्ट है थिकनेस इंटू सिक्स, 30 कैरेक्टर्स अगेन, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, बोलना चाहिए सेंटर। अभी सेंटर क्यों बोला हमने, ये देखो इसने थिकनेस इंटू सिक्स बोला है, वो है 30 कैरेक्टर्स। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक 30 कैरेक्टर अगर देखो, क्योंकि ये मिडिल बेल्ट की बात हो रही है, मिडिल बेल्ट का मतलब क्या हुआ, मिडिल बेल्ट का मतलब हुआ ये वाला,
ये बेल्ट है आपका मिडिल वाला बेल्ट, ठीक है। ये अगर आप पूरा स्ट्रिंग देखोगे 30 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है, नीचे भी 30 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है और इसके नीचे भी 30 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है, ठीक है। और तीनों में देखोगे ना तो स्ट्रिंग आपका सेंटर में है। अब इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, अगर ये देखो ये आपका पूरा लाइन है और यहाँ पे आपके स्पेसेस है दोनों, ठीक है। आपके कैरेक्टर्स कहाँ हैं, सेंटर में, तो हमने क्या किया सेंटर, ओके। अभी बॉटम पिलर की अगर बात करोगे तो बॉटम पिलर का मतलब क्या हो गया, बॉटम पिलर का मतलब हो गया ये वाला पिलर, ये तो दो पिलर्स है ना, तो इसमें एक ये बॉटम पिलर है एक ये बॉटम पिलर है, ओके। सो बॉटम पिलर और टॉप पिलर एक्चुअल में दोनों सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो कोड सेम लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ भी क्या करेंगे सेंटर, ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा जैसा हमने टॉप पिलर में देखा था, ओके। सो इसको भी क्या करते हैं सेंटर। अभी हम बॉटम कोन की अब बात करेंगे, तो बॉटम कोड का जो कोड लिखा हुआ है ना वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको ऐसे समझो, ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ना, ये ओवरऑल आपका जो स्ट्रिंग प्रिंट किया आपने उसको डॉट 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 करके उसने कुछ किया हुआ है, तो ये राइट होगा कि लेफ्ट होगा उसको देखते हैं हम। पहले ये बीच का भरते हैं, ठीक है, तो बीच में पहले क्या होगा, आर जस्ट होगा एंड देन होगा लेफ्ट जस्ट यानी एल जस्ट, ठीक है। अभी ये ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो बी आपका क्या है, अभी आप इसको सोचो ना कि ये जो आपका बॉटम वाला पिलर है या बॉटम कोन है आपका, इसको हटा देते हैं, बॉटम कोन जो आपका है ये, वो समझ, वो अभी पहले कहाँ था टॉप कोन आपका, वो पिलर नंबर वन पे था, ये पिलर वन है ये पिलर टू है, ठीक है, अभी पिलर टू पे है, ठीक है। तो मान लो कि पिलर वन पे है, एज्यूम करो कि पिलर वन पे अगर बनाना होता तो क्या करते, तो पिलर वन पे अगर आपको बनाना होता तो सेम यही पैटर्न प्रिंट करते बट उल्टा करते, यानी लूप उल्टा चलाते, ठीक है। तो लूप उल्टा इसने नहीं चलाया है, बल्कि जो इसने थिकनेस आई लिया था तो अंदर वैल्यू थिकनेस माइनस आई माइनस वन ले लिया, ठीक है। तो पहले चार स्ट्रिंग, फिर तीन स्ट्रिंग, फिर दो स्ट्रिंग, फिर एक स्ट्रिंग, ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग का मतलब यहाँ कैरेक्टर एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे हमने आर जस्टिफाई और एल जस्टिफाई करके किया था, यहाँ पे हमें आर जस्टिफाई और एल जस्टिफाई करेंगे। और ये जो प्रिंट किया है पूरा का पूरा कोन, ये पूरे कोन को हमें क्या करना है, हमें राइट में शिफ्ट करना है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे प्रिंट करना है, बट एक्चुअली में हमें प्रिंट कहाँ पे करना था, यहाँ पे करना था। तो इसलिए इसने पूरे को ब्रैकेट लगाया है, देखो ये पूरा ब्रैकेट आपका लगा हुआ है यहाँ पे, और इस पूरे पे इसने डॉट थिकनेस मल्टीप्लाई पे 6 कॉल किया। तो इसको आप क्या करोगे, राइट जस्टिफाई करोगे। जब इसको आप राइट जस्टिफाई कर दोगे और रन कराओगे कोड अपना, तो ये कोड आपका रन करना चाहिए। देखो सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया, इसको सबमिट करते हैं, एंड सारे टेस्ट केस पास हो गए, एक ये वाला टेस्ट केस घूम रहा है एंड ये भी पास हो गया। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, एंड ये आप ये देखो इस क्वेश्चन का मेन मोटो था कि आप इन तीनों मेथड्स को समझो कि राइट जस्टिफाई, सेंटर और लेफ्ट जस्टिफाई कैसे काम करता है। बट क्वेश्चन भी ट्रिकी था, तो हमने ट्राई किया इसको प्रॉपर तरीके से समझाने का, बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो टेक्स्ट रैप, ठीक है। सो टेक्स्ट रैप हम करेंगे सॉल्व नेक्स्ट टाइम, ऑलराइट, ठीक है।